Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. और क्या चाहिए होगा किसी को अपने बिजी हेक्टिक स्केड्यूल में? अगर हर दिन बस मिनटों में डेलीशियस और हेल्दी खाने को मिल जाए तो आज क्विनोआ के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम हर बार इसको परफेक्ट तरीके से कैसे कुक कर सकते हैं। पर आज मैं कुक करने के ऐसे दो बेसिक तरीके दिखाऊंगी, आपके टेस्ट को जो सूट करे आप वैसे बनाएं। अगर आपने क्विनोआ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो अभी इसे यही स्टॉप करके तुरंत जाइए, तो पहले क्विनोआ के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता करें ताकि इसको अपने डाइट में इंक्लूड करने का इम्पोर्टेंस पता चले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। क्विनोआ बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है, तभी तो ये किसी के लिए भी खाने के लिए एक आइडियल चॉइस होगा। आप ड्राई क्विनोआ को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, प्रेफरेबली ग्लास। किसी ड्राई और कूल जगह पे रखें। आप इसे काफी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं लंबे समय तक फ्रेश रहने के लिए। आप वीक के ज्यादातर दिनों में इसे यूज कर सकते हैं, जैसे 3 से 4 दिन। आप क्विनोआ को कोई भी वीकेंड में बनाएं और किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दें, फिर फ्रिज में रख दें। और अगर एक हफ्ते तक यूज करना चाहें तो इसे फ्रीजर में स्टोर करें। पर जब ये इतने कम टाइम में बस मिनटों में ही बन जाता है, आपको इतने लंबे टाइम तक स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्विनोआ को एक वर्सेटाइल फूड कहा जाता है, जो आपके प्रेफरेंस के किसी भी खाने के साथ मिला के अलग अलग तरीके से अपने फेवरेट रेसिपीज में बस नाम ले और उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सूप, सैलड्स, रैप्स, इवन डेजर्ट्स, या अपने आप में ही अपने फेवरेट स्पाइसेस के साथ मिला के कभी भी एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इवन स्नैक्स की तरह। ये स्प्राउटिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो इसके ऑलरेडी इतने हेल्थ बेनिफिट्स को और भी बढ़ा सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए वो लगभग 3 से 4 दिन ले सकता है। मैंने पहले ही पार्ट 1 में कहा है कि क्विनोआ में फाइटिक एसिड होता है, जो कि उसमें मौजूद मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक एंड आयरन को जोड़ के रखता है, जिसके वजह से ये सारे मिनरल्स इतने आसानी से हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता। पर स्प्राउटिंग या क्विनोआ को पानी में पकाने से पहले सोक करने से ये फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे कि मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आसानी से ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तभी पकाने से पहले मैं रेकमेंड करूंगी क्विनोआ को ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए सोक करें। उसी समय इन सीड्स को अपनी उंगलियों से अच्छे से रब करें, ताकि वो अनचाहे वाटर सॉल्युबल प्लांट रेसिड्यू, जो इन सीड्स के बाहर की कोटिंग है जिसे सैपोनिन कहते हैं, वो अच्छे से धुल जाए, वरना उससे वो कड़वा लग सकता है। चाहे वो ऑर्गेनिक या मेंशन हो प्री वॉश, ये स्टेप ना स्किप करें। और आप पानी में अच्छे से धो लें बाकी के इम्प्योरिटीज या कुछ और बचे हुए रेसिड्यूज जाने तक। एक फाइन मैश स्ट्रेनर से उसे स्ट्रेन कर दें। ये सीड्स पानी ज़्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए याद रखें सारा पानी अच्छे से ड्रेन करें, उसी स्ट्रेनर में थोड़े देर के लिए रखें या पेपर टॉवल से एक्सेस पानी को अब्सॉर्ब कर दें। बेस्ट पार्ट है कि इसे राइस जैसा ही कुक किया जाता है, बस फर्क ये है कि राइस से आधे टाइम में पक जाता है। इसलिए अगर क्विनोआ आपके लिए नया है तो उसे पकाने के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, इसे राइस कुकर में भी पकाया जा सकता है। कुकिंग का रेशियो है 1:1.5, यानी 1 कप क्विनोआ के लिए 1.5 कप पानी। कुछ कहते हैं 1:2, पर मैं प्रेफर करती हूँ 1:1.5, क्योंकि इससे एक्सेस पानी की वजह से मशी नहीं होता, पर हर बार सेपरेट होके फ्लफी रहता है। राइस की तरह क्विनोआ भी साइज में ट्रिपल हो जाता है, मतलब 1 कप ड्राई क्विनोआ से आपको 3 कप कुक्ड क्विनोआ मिलेगा। पहले तरीके में 1 कप क्विनोआ के लिए एक मीडियम साइज सॉस पैन
हाई हीट पे गर्म होने रखें और 1.5 कप पानी डालें, बॉईल होने दें। अब स्ट्रेन किया हुआ कीनुआ को इस पानी में डालें और स्पून से अच्छे से स्टर करें और लिड से कवर करके हीट को मिनिमम कर दें और उसे एग्जैक्टली 15 मिनट तक पकाएं। टाइम अप होने पर हीट ऑफ कर दें, पर लिड को ना हटाते हुए उसी बर्नर पे 4 मिनट के लिए रखें। इससे जितना बचा हुआ मॉइस्चर होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब लिड हटा दें और कीनुआ परफेक्टली कुक हो चुका है, पर फोर्क से फ्लफ करना ना भूलिएगा, इससे वो इसी तरह से परफेक्ट रहेगा। जब कीनुआ हो जाए तो वो ट्रांसलूसेंट दिखेगा और हर सीड्स के ऊपर एक वाइट जम रैप हो जाएगा। और सेकंड के लिए कीनुआ को टोस्ट करने के साथ कुछ हेल्दी स्पाइसेस ऐड करूंगी फ्लेवर देने के लिए, जैसे हल्दी और काली मिर्च। एक कप कीनुआ के लिए एक मीडियम साइज सॉस पैन लें, मीडियम हीट पे रखें। गर्म होने पर हाफ टीस्पून कोई भी तेल डालें अपने प्रेफरेंस का, जैसे तिल का तेल या नारियल का तेल। ये स्टेप स्किप करें अगर तेल नहीं ऐड करना चाहते। अब ये स्ट्रेन कीनुआ इसमें डालें और मीडियम हीट पे थोड़ी देर के लिए टोस्ट करें, रफली 1-2 मिनट के लिए, जब तक जेंटल पॉपअप साउंड सुनाई दे और उनमें से एक नटी अरोमा आए। इसको कहते हैं टोस्टिंग ऑफ कीनुआ, जो एक डेलीशियस रोस्टेड फ्लेवर देगा। स्टर करते रहें। अब ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी और उसे अच्छे से मिलाएं ताकि वो कीनुआ में घुल जाए, और ऐड करें 1.5 कप पानी। अब हीट को मीडियम से हाई पे लें और उसे बॉईल होने दें। थोड़ा स्टर करें और ऐड करें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून पेपर। आप इसे सॉल्ट फ्री भी कर सकते हैं, पर पेपर ज़रूर मिलाएं। इससे वो कीनुआ में हल्दी के फ्लेवर को और बढ़ाएगा। अच्छे से मिलाएं, बॉईल होना शुरू हो जाए तो लिड से कवर कर दें और हीट को अब लो पे रखें ताकि सारा सिमर होता रहे, और एग्जैक्टली 15 मिनटों के लिए पकाएं। अब उसे ऑफ कर दें और पहले की तरह बिना उसके कवर को हटाए 4 मिनट तक बर्नर पे ऐसे ही रखें, जब तक सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब ना हो जाए। लिड को हटाते ही याद से फोर्क से फ्लफ ज़रूर करें। दोनों ही तरीकों में पकाने के बाद कुक कीनुआ को एक डिश में ट्रांसफ़र करें और स्प्रेड करें ताकि वो ठंडा होने के साथ साथ ज़्यादा ना पक जाए। अब इसे किसी भी तरह खाइए, ठंडा या गर्म। कुक करने के लिए वेज या चिकन ब्रॉथ या स्टॉक यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, और याद से कीनुआ को एक रेगुलर एंड अ मस्ट एडिशन कीजिए अपने डाइट में। इस चैनल पे आगे कीनुआ के और भी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज आने वाले हैं, दोनों वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए। इसलिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।